आत्मा परमात्मा क्या है, सन्यास मोक्ष क्या है, जीवन मरण क्या है, जीवन जीने की जरूरत क्या है, ऐसे अनगिनत सवाल हम सभी के दिमाग में हमेशा से आते रहे हैं। और इन अनगिनत सवालों का बस एक ही जवाब है, श्रीमद् भगवत गीता। विद्वान और गुरु जन कहते हैं कि गीता का मात्र नाम लेने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। गीता को भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भवबंधन जन्म मरण से मुक्ति के लिए और मुझे पाने के लिए गीता अकेले ही पर्याप्त ग्रंथ है। भगवत गीता को पढ़ने, सुनने और सुनाने वाला भी श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए हमने संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता के अमूल्य ज्ञान को पूर्ण HD क्वालिटी में इस एक ही वीडियो में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इस वीडियो में हमने श्रीमद् भागवत गीता के सभी 700 श्लोक संस्कृत और हिंदी भाषा में लिखित और हिंदी HD ऑडियो के साथ सरलता से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कई गोपनीय विद्याओं का वर्णन किया है। जीवन के हर पड़ाव पर हर किसी को जरूरत होती है एक अच्छे गुरु की। और आप ही बताइए कि क्या श्री कृष्ण से बेहतर गुरु कोई और हो सकता है। अर्जुन जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अपने ही भाई बंधुओं को चारों ओर देखते हैं और विचलित हो जाते हैं, यह सोच कर कि युद्ध होने पर उसके ही कुल का नाश होगा, उसके की परिजन मारे जाएंगे, तब प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान का उपदेश देते हैं। वैसे असल में गीता का ज्ञान तो दुनिया को देना था, अर्जुन तो जरिया मात्र थे। अन्यथा वो तो अनंत कोटि प्रभु श्री कृष्ण है, जो पल भर में ही सारी सृष्टि को नष्ट करने का सामर्थ्य रखते हैं। वे तो पल भर में ही अधर्मियों को भी नष्ट कर सकते थे, परंतु ये उन्हीं की माया है कि वे सारथी रूप में अर्जुन के साथ ही साथ सारे संसार को भी गीता का ज्ञान देने के निमित्त लीला करने लगे। यह वीडियो काफी स्पेशल और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता केवल एक पुस्तक ही नहीं है, ये स्वयं श्री कृष्ण के मधुर मुख से निकला अमूल्य ज्ञान का समुद्र है। और हम वो छोटी छोटी मछलियां हैं जो इस समुद्र में मात्र डुबकी लगाकर प्रभु को पा सकते हैं, प्रभु तक पहुंच सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अपने करीबियों से भी शेयर कीजिएगा, जिससे उन सभी का भी कल्याण हो। श्रीमद् भगवत गीता के यह 700 श्लोक 18 अध्यायों में विभाजित है। यह प्रस्तुति थोड़ी बड़ी हो गई है, क्योंकि इसमें सभी 700 श्लोकों का समावेश है, और वैसे भी अधूरा ज्ञान हानिकारक ही होता है। इसलिए हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अधूरी नहीं पूरी अवश्य ही देखिएगा या सुनिएगा। इस प्रस्तुति को हमने पूर्ण HD में बनाया है, जिससे आप अपने अन्य काम करते समय भी सुन सके या पढ़ सके। प्रस्तुति अगर पसंद आए तो लाइक कर कमेंट में अवश्य ही लिखिएगा। जय श्री कृष्णा। प्रभु कृष्ण हम सभी का कल्याण करे, इसी कामना के साथ आइए शुरू करते हैं पहला अध्याय। जय श्री कृष्णा। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। इसमें 46 श्लोकों द्वारा अर्जुन की मन स्थिति का वर्णन किया गया है। पहले अध्याय की शुरुआत धृतराष्ट्र और संजय के बीच संवाद से होती है। हस्तिनापुर के महाराज और दुर्योधन और दुशासन के पिता धृतराष्ट्र थे। संजय महर्षि वेद व्यास के शिष्य थे, वो धृतराष्ट्र की राजसभा में शामिल थे। संजय को वेद व्यास जी के द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी, जिससे वह धृतराष्ट्र को महल में ही बैठकर कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध को देखकर पूरा का पूरा सुना सके। चलिए शुरू करते हैं पहले श्लोक से। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, पांडव सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं।
उनमें युयुधान राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्ट केतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशिराज भी हैं। पुरुजित और कुंतीभोज ये दोनों भाई तथा मनुष्य में श्रेष्ठ शैव्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु बलवान, उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र ये सब महारथी हैं। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो विशिष्ट योद्धागण हैं, उनको आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के नायकों के नाम मैं आपको बताता हूँ। द्रोणाचार्य आप स्वयं, और पितामह भीष्म तथा कर्ण, और संग्राम विजी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं, जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है, और जो अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सबके सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। हमारी सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म हैं। परंतु इन पांडवों की सेना हमारे पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीम हैं। आप सब के सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए ही पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। उस समय दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कुरुवृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरजकर जोर से शंख बजाया। उसके बाद शंख, भेरी, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंह बाजे एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंडु नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। वह भयंकर घोष आकाश और पृथ्वी पर गूंजने लगा, और उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे महीपते, इस प्रकार जब युद्ध प्रारंभ होने वाला ही था कि कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को स्थित देखकर धनुष उठाकर भगवान कृष्णा से ये शब्द कहे। अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध की इच्छा से खड़े इन लोगों का निरीक्षण कर सकूं कि इस युद्ध में मुझे किनके साथ युद्ध करना है। दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र, दुर्योधन का युद्ध में प्रिय चाहने वाले जो ये राजा लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय ने कहा, हे भरतवंशी राजन, धृतराष्ट्र, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान कृष्णा ने दोनों सेनाओं के मध्य उत्तम रथ को खड़ा करके भीष्म, द्रोण तथा पृथ्वी के समस्त शासकों के समक्ष उन्होंने कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए कौरवों को देखो। वहाँ अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में खड़े पिता के भाइयों, पितामहों, आचार्यों, मामों, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, श्वसुरों और सुहृदों को भी देखा। इस प्रकार उन सब बंधु बांधवों को खड़े देखकर कुंती पुत्र अर्जुन का मन करुणा से भर गया, और विषादयुक्त होकर उसने यह कहा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को,
शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। हे कृष्ण, मैं न विजय चाहता हूँ, न राज्य और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से अथवा भोगों से और जीने से भी क्या प्रयोजन है? हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि की इच्छा है, वे ही लोग धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। वे लोग गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्र, पितामह, श्वसुर, पोते, शालक तथा अन्य संबंधी हैं। हे मधुसूदन, इनके मुझे मारने पर अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए कहना ही क्या है? हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करके हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन अपनों को मारकर तो हमें केवल पाप ही लगेगा। हे माधव, इसलिए अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए योग्य नहीं है, क्योंकि स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपि लोग से भ्रष्ट चित्त हुए, ये लोग कुलनाशकृत दोष और मित्र द्रोह में पाप नहीं देखते हैं। परंतु हे जनार्दन, कुलक्षय से होने वाले दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से विरत होने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए? कुल के नष्ट होने से धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म नष्ट होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म, पाप दबा लेता है। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णसंकर पैदा हो जाते हैं। वह वर्णसंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने का कारण बनता है। पिंड और जलदान की क्रिया से वंचित इनके पितर भी नरक में गिर जाते हैं। इन वर्णसंकर कारक दोषों से, कुलघाती दोषों से कुलधर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिनके यहाँ कुल धर्म नष्ट हो जाता है, उन मनुष्यों का अनियत काल तक नरक में वास होता है। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर ये हाथों में शस्त्रास्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्ररहित मेरे को मार भी दें, तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। संजय बोले। ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। पहला अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग में कुल 72 श्लोक हैं, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्म का ज्ञान देते हैं। यह अध्याय वास्तव में पूरी गीता का सारांश है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा और विषाद से अभिभूत, अश्रु से भरे नेत्रों वाले व्याकुल अर्जुन से मधुसूदन कृष्ण ने यह वाक्य कहा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विषम अवसर पर यह मोह कहाँ से उत्पन्न हुआ? यह आर्य आचरण के विपरीत न तो स्वर्ग प्राप्ति का साधन ही है और न कीर्ति कराने वाला ही है। हे पार्थ, कायर मत बनो, यह तुम्हारे लिए अशोभनीय है। हे परंतप, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण के साथ बाणों से युद्ध करूंगा? हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। महानुभाव गुरुजनों को न मार कर मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में रक्तरंजित अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना उचित है। मैं यह भी नहीं जानता कि हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। करुणा के कलुष से अभिभूत और कर्तव्य पथ पर भ्रमित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए जो श्रेष्ठ हो,
उसे आप निश्चय करके कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, शरण में आए मुझको आप उपदेश दीजिए। पृथ्वी पर निष्कंटक समृद्ध राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। संजय ने कहा, इस प्रकार गुडाकेश परंतप अर्जुन भगवान ऋषिकेश से यह कहकर कि हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा चुप हो गया। हे भरतवंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए भगवान ऋषिकेश बोले, श्री भगवान ने कहा जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है उनके लिए तुम शोक करते हो और ज्ञानियों के से वचनों को कहते हो, परंतु ज्ञानी पुरुष मृत और जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते हैं। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तुम नहीं थे अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे इस देह में देही जीवात्मा की कुमार युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही उसको अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होता है। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के जो विषय जड़ पदार्थ हैं, वे तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, वे आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, दुख और सुख में समान भाव से रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये व्यथित नहीं कर सकते हैं वह अमृतत्व मोक्ष का अधिकारी होता है। असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा गया है। नाशरहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्यवर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाशरहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। जो मनुष्य इस अविनाशी आत्मा को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है। यह आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है, न यह एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाली है। यह जन्मरहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और पुरातन अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी नित्य और जन्मरहित जानता है वह कैसे किसको मरवाएगा और कैसे किसको मारेगा। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चली जाती है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा काटी नहीं जा सकती, जलाई नहीं जा सकती, गीली नहीं हो सकती और सुखाई नहीं जा सकती है। यह नित्य रहने वाली सब में परिपूर्ण अचल स्थिर स्वभाव वाली और अनादि है। यह आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखती, यह चिंतन का विषय नहीं है और इसमें कोई विकार नहीं है। अतः इस आत्मा को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। यदि तुम आत्मा को नित्य जन्मने और नित्य मरने वाला मानो तो भी हे महाबाहो, इस प्रकार शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है जिसका निवारण नहीं हो सकता उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। हे पार्थ, समस्त प्राणी जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद अव्यक्त अवस्था में रहते हैं और बीच में व्यक्त होते हैं, फिर उसमें चिंता या शोक की क्या बात है। कोई इसे आश्चर्य के समान देखता है, कोई इसके विषय में आश्चर्य के समान कहता है और कोई अन्य पुरुष इसे आश्चर्य के समान सुनता है और फिर कोई सुनकर भी नहीं जानता।
हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, यह देही आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए समस्त प्राणियों के लिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं। अपने धर्म को भी देखकर तुमको विचलित होना उचित नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। अब अगर तुम यह धर्ममय युद्ध नहीं करोगे तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त करोगे। सब लोग तुम्हारी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कहते रहेंगे और सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी अधिक होती है। जिनके लिए तुम बहुत माननीय हो उनके लिए अब तुम तुच्छता को प्राप्त होगे। वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से निवृत्त हुआ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारे सारमथ्य की निंदा करते हुए न कहने योग्य बहुत से वचन कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी? युद्ध में मरकर तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे या जीतकर पृथ्वी को भोगोगे? इसलिए हे कुंती नंदन, युद्ध का निश्चय कर तुम खड़े हो जाओ। सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इस प्रकार तुमको पाप नहीं होगा। हे पार्थ, तुम्हें सांख्य विषयक ज्ञान कहा गया और अब कर्म योग से संबंधित ज्ञान को सुनो, जिस ज्ञान से युक्त होकर तुम कर्मबंध का नाश कर सकोगे। इसमें क्रमनाश और प्रत्यवाय दोष नहीं है। इस धर्म योग का अल्प अभ्यास भी महान भय से रक्षण करता है। हे कुरुनंदन, इस विषय में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है। अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। हे पार्थ, अविवेकी पुरुष वेद विवाद में रमते हुए जो यह पुष्पिता दिखावटी शोभा की वाणी बोलते हैं, वे कहते हैं स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है। कामनाओं से युक्त स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले लोग भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाली अनेक क्रियाओं को बताते हैं जो वास्तव में जन्म रूप कर्मफल को देने वाली होती हैं। उससे जिनका चित्त हर लिया गया है, ऐसे भोग और ऐश्वर्यम आसक्ति रखने वाले पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, अर्थात वे ध्यान का अभ्यास करने योग्य नहीं होते। वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तुम तीनों गुणों से रहित हो जाओ, निरंतर नित्य वस्तु में स्थित हो जाओ, योगक्षेम की चाह भी मत रखो और परमात्म परायण हो जाओ। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के होने पर मनुष्य का छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। आत्मज्ञानी ब्राह्मण का सभी वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। कर्म करने मात्र में तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्म फल के हेतु वाले मत बनो और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति न हो। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में संभाव होकर योग में स्थित हुए तुम कर्म करो। यह संभाव ही योग कहलाता है। इस बुद्धियोग की तुलना में सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट हैं। इसलिए हे धनंजय, तुम बद्धि की शरण लो, फल की इच्छा करने वाले कृपण दीन हैं। समत्व बुद्धि युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तुम योग समता में लग जाओ, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। बुद्धियोग युक्त मनुष्य लोग कर्मजन्य फलों को त्याग कर जन्मरूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूप दलदल को तर जाएगी, तब तुम उन सब वस्तुओं से वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे जो सुनने योग्य और सुनी हुई हैं। जब अनेक प्रकार के विषयों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि आत्मस्वरूप में अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तुम परमार्थ योग को प्राप्त करोगे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है,
श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जिस समय पुरुष मन में स्थित सब कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मनशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त कर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से परावृत कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। निराहारी मनुष्य से विषय तो निवृत्त दूर हो जाते हैं, परंतु उनके प्रति राग नहीं। परमात्म तत्व को देखने पर इस मनुष्य का राग भी निवृत्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, संयम का प्रयत्न करते हुए विद्वान मनुष्य के भी मन को ये इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में हैं, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उसमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से इच्छा और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से उत्पन्न होता है मोह और मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। आत्मसंयमी पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ प्रसन्नता प्राप्त करता है। प्रसन्नता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का अंत हो जाता है और प्रसन्न चित्त पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जिसके मनेन्द्रियां संयमित नहीं हैं, ऐसे मनुष्य को आत्मज्ञान नहीं होता और ऐसे अयुक्त मनुष्य को भावना और ध्यान की क्षमता नहीं होती। भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, अशांत पुरुष को सुख कहा? जल में वायु जैसे नाव को हर लेता है, वैसे ही विषयों में विरचिती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय का अनुकरण मन करता है, वह एक ही इंद्रिय मनुष्य की प्रज्ञा को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों के वश में की हुई होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उसमें संयमी पुरुष जागता है, और जब सब प्राणी जागते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि के लिए रात्रि है। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल प्रतिष्ठित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य में विकार उत्पन्न किए बिना ही उसको प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके निर्मम निरहंकार और निःस्पृह होकर विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसे प्राप्त कर पुरुष मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण शांत ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती। दूसरा अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग है। इसमें 43 श्लोक हैं। श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को समझाते हैं कि परिणाम की चिंता किए बिना हमें हमारा कर्म करते रहना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आपको यह मान्य है कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों प्रवृत्त करते हैं? आप इस मिश्रित वाक्य से मेरी बुद्धि को मोहित सा करते हैं। आथा आप उस एक मार्ग को निश्चित रूप से कहिए जिससे मैं परम श्रेय को प्राप्त कर सकूं। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है।
मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। कोई भी मनुष्य कभी क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा वश हुए सब मनुष्यों से कर्म करवा लिया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों का निग्रह कर इंद्रियों के भोगों का मन से स्मरण चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तुम अपने नियत कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि अकर्म से श्रेष्ठ कर्म है। तुम्हारे अकर्म होने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञ के लिए किए हुए कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म में प्रवृत्त हुआ यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, आसक्ति को त्याग कर यज्ञ के निमित्त ही कर्म का सम्यक आचरण करो। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में यज्ञ सहित प्रजा मनुष्य आदि का निर्माण कर कहा, इस यज्ञ द्वारा तुम सब वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम्हारे लिए इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला होवे। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवतागण तुम्हारी उन्नति करें। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को तुम प्राप्त होगे। यज्ञ द्वारा पोषित देवतागण तुम्हें इष्ट भोग प्रदान करेंगे। इस प्रकार उन देवताओं से प्राप्त हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह चोर ही है। यज्ञ के अवशिष्ट अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग केवल स्वयं के लिए ही पकाते हैं वे तो पापों को ही खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से होती है और ब्रह्मा जी अक्षर तत्व से व्यक्त होते हैं। इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमने वाला, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। उस कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना ही कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए तुम अनासक्त होकर सदैव कर्तव्य कर्म का आचरण करो, क्योंकि अनासक्त मनुष्य कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम निष्काम भाव से कर्म करने के योग्य है। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, अन्य लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूँ तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये समस्त लोक नष्ट हो जाएंगे और मैं वर्णशंकर का कर्ता तथा इस प्रजा का हनन करने वाला होऊंगा। हे भरतवंशोद्धव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान पुरुष अनासक्त होकर लोक संग्रह लोक कल्याण की इच्छा से कर्म करे। ज्ञानी पुरुष कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, स्वयं भक्ति से युक्त होकर कर्मों का सम्यक आचरण कर उनसे भी वैसा ही कराए।
संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित हुआ अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग के सत्य तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष यह जानकर कि गुण ही गुणों में बरतते हैं, कर्म में आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए मनुष्य गुण और कर्म में आसक्त होते हैं। उन अपूर्ण ज्ञान वाले मंदबुद्धि मनुष्यों को पूर्ण ज्ञान प्राप्त मनुष्य विचलित न करे। संपूर्ण कर्मों का मुझ में अर्पण करके आशा और ममता से रहित होकर संतापरहित हुए तुम युद्ध करो। जो मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा मेरे इस मत उपदेश का अनुष्ठान पूर्वक पालन करते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही मनुष्य के शत्रु हैं। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन ने कहा, हे वार्ष्णेय, फिर यह मनुष्य बलपूर्वक बाध्य किए हुए के समान इच्छा के बिना किसके द्वारा प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तुम इसको शत्रु जानो। जैसे धुएं से अग्नि और धूलि से दर्पण ढक जाता है तथा जैसे भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है, वैसे उस काम के द्वारा यह ज्ञान विवेक ढका हुआ है। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के नित्य शत्रु इस काम के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। इंद्रिया मन और बुद्धि इसके निवास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन इंद्रिया मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डालो। शरीर से परे इंद्रियां कही जाती हैं, इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और जो बुद्धि से भी परे है वह आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तुम इस दुर्जय कामरूप शत्रु को मारो। तीसरा अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा। ज्ञान कर्म सन्यास योग श्रीमद् भगवत गीता का चौथा अध्याय है, जिसमें 42 श्लोक हैं। अर्जुन को इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि धर्म पारायण के संरक्षण और अधर्मी के विनाश के लिए गुरु का अत्यधिक महत्व है। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य देवता से कहा, फिर सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। तुम मेरे भक्त और प्रिय सखा हो, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। आथा आपने ही सृष्टि के आदि में सूर्य से यह योग कहा था, यह बात मैं कैसे समझूं? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप, उन सबको मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप हूँ और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर हूँ, तथापि अपनी प्रकृति को अपने अधीन रखकर मैं अपनी माया से जन्म लेता हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन,
जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, वह मुझे ही प्राप्त होता है। राग भय और क्रोध से रहित मेरे शरण हुए बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए, मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। हे प्रथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुकरण करते हैं। सामान्य मनुष्य यहाँ इस लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मों के फल शीघ्र ही प्राप्त होते हैं। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। यद्यपि मैं ही करता हूँ, तथापि तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी जानो। कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, न मुझे कर्मफल में स्पृहा है। इस प्रकार मुझे जो जानता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता है। पूर्वकाल के मुमुक्ष मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तुम भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को उन्हीं की तरह करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कर्म तत्व कहूँगा अर्थात कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसको जानकर तुम अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म का स्वरूप जानना चाहिए, विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा अकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। जिसके समस्त कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, ऐसे मनुष्य को ज्ञानीजन भी पंडित बुद्धिमान कहते हैं। जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह से लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जो आशा रहित है तथा जिसने चित्त और आत्मा शरीर को संयमित किया है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शारीरिक कर्म करते हुए भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, और जो ईर्ष्या से रहित द्वंद्वों से अतीत तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। जो आसक्ति रहित और मुक्त है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है, यज्ञ के लिए आचरण करने वाले ऐसे मनुष्य के समस्त कर्म लीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्मा है, हवि हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है, और ब्रह्मारूप अग्नि में ब्रह्मारूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है, वह भी ब्रह्मा ही है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्मा में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। कोई योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही करते हैं और दूसरे ज्ञानी जन ब्रह्मारूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत्रादिक सब इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं और अन्य योगी लोग शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कुछ साधक द्रव्ययज्ञ तपयज्ञ और योगयज्ञ करने वाले होते हैं और दूसरे कठिन व्रत करने वाले स्वाध्याय और ज्ञानयज्ञ करने वाले योगीजन होते हैं। अन्य योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं तथा प्राण में अपान की आहुति देते हैं।
प्राण और अपान की गति को रोककर वे प्राणायाम के ही समलक्ष्य समझने वाले होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले साधक जन प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं। ये सभी यज्ञ को जानने वाले हैं, जिनके पाप यज्ञ के द्वारा नष्ट हो चुके हैं। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञों का ब्रह्मा के मुख अर्थात वेदों में वर्णित है। उन सब को कर्मों से उत्पन्न हुए जानो, इस प्रकार जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यों से संपन्न होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तुम फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होंगे। और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तुम संपूर्ण प्राणियों को निःशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखोगे, यदि तुम सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी तुम ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाओगे। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। योग में संसिद्ध मनुष्य स्वयं ही उसे उचित काल में आत्मा में प्राप्त करता है। श्रद्धावान तत्पर और जितेंद्रिय मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान को प्राप्त करके शीघ्र ही वह परम शांति को प्राप्त होता है। अज्ञानी और श्रद्धारहित संशयुक्त मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयुक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। हे धनंजय, जिसने योग द्वारा कर्मों का संन्यास किया है, ज्ञान द्वारा जिसके संशय नष्ट हो गए हैं, ऐसे आत्मवान मनुष्य को कर्म नहीं बांधते हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेद करके योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। चौथा अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा। कर्म संन्यास योग श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय है, जिसमें 29 श्लोक हैं। अर्जुन इसमें श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों में से उनके लिए कौन सा उत्तम है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक है, परंतु कर्म योग बेहतर है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप पहले कर्मों के त्याग की और फिर कर्मयोग कर्म के आचरण की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में एक जो निश्चित रूप से कल्याणकारक है उसको मेरे लिए कहिए। श्री भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याणकारक हैं, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा, वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि हे महाबाहो, द्वंद्वों से रहित पुरुष सहज ही बंधन मुक्त हो जाता है। बालक अर्थात बाल बुद्धि के लोग सांख्य योग, सन्यास और कर्मयोग को अलग और भिन्न समझते हैं। इन दोनों में से एक योग में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जो स्थान ज्ञानियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसी स्थान पर कर्मयोगी भी पहुंचते हैं। इसलिए जो मनुष्य सांख्य योग और कर्मयोग को फल रूप से एक ही देखता है, वही सत्य देखता है। परंतु हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना संन्यास प्राप्त होना कठिन है। योग युक्त मनशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है
और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा के साथ एकत्व अनुभव करता हो, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला मनुष्य यह जानता है कि मैं किंचित मात्र कर्म नहीं करता हूँ, देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और बंद करता हुआ, वह निश्चयात्मक रूप से जानता है कि सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरण कर रही हैं। जो मनुष्य संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धि, चित्त शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मफल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। सब कर्मों का मन से संन्यास करके संयमी मनुष्य नवद्वार वाली शरीर रूप नगरी अपने स्वरूप में सुख से रहता हुआ न कर्म करता है और न करवाता है। परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के साथ संयोग की रचना करते हैं, परंतु प्रकृति सब कुछ करती है। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो जाता है, उनके लिए वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित करता है। जिनकी बुद्धि उस परमात्मा में स्थित है, जिनका मन तद्रूप हुआ है, उसमें ही जिनकी निष्ठा है, वह ब्रह्मा ही जिनका परम लक्ष्य है, ज्ञान के द्वारा पाप रहित मनुष्य परमगति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण तथा गाय, हाथी, श्वान और चांडाल में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। जिनका मन समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्मा निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्मा में ही स्थित हैं। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर दुखी न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला मूर्ता रहित तथा ब्रह्मा को जानने वाला मनुष्य ब्रह्मा में स्थित है। बाह्य स्पर्श में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में जो सुख है उसको प्राप्त होता है, फिर वह ब्रह्मा में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग सुख हैं, वे आद्यंत वाले और दुख के ही कारण हैं। आत्म विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। जो मनुष्य इसी लोक में शरीर त्यागने के पूर्व ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, वह योगी, युक्त और सुखी मनुष्य है। जो मनुष्य केवल अंतरात्मा में सुख वाला है और केवल आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह ब्रह्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला सांख्य योगी ब्रह्मा निर्वाण अर्थात परम मोक्ष को प्राप्त होता है। जिनका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक ब्रह्मा निर्वाण अर्थात परम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। काम और क्रोध से रहित संयत चित्त वाले तथा आत्मा को जानने वाले मनुष्यों के लिए सब ओर मोक्ष या ब्रह्मानंद विद्यमान रहता है। बाह्य विषयों को बाहर ही रखकर, नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिस मनुष्य की इंद्रिया, मन और बुद्धि वश में हैं, ऐसा मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित है, वह सदा मुक्त ही है।
भक्त मुझे यज्ञ और तपों का भोक्ता और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का सुहृद स्वार्थरहित दयालु और प्रेमी जानकर शांति को प्राप्त हो जाता है। पांचवा अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। आत्म संयम योग श्रीमद् भगवत गीता का छठा अध्याय है जिसमें 47 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि किस प्रकार मन की दुविधा को दूर किया जा सकता है। श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, न कि वह जिसने केवल अग्नि का और क्रियाओं का त्याग किया है। हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म करना ही हेतु साधन कहा है, और योगारूढ़ हो जाने पर उसी मनुष्य के लिए शम को शांति संकल्प सन्यास साधन कहा गया है। योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण है, और उसी योगारूढ़ मनुष्य का शम शांति परमात्म प्राप्ति में कारण है। जब साधक न इंद्रियों के विषयों में और न कर्मों में आसक्त होता है तब संपूर्ण संकल्पों के त्यागी को योगारूढ़ कहा जाता है। मनुष्य अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि वह आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है उसके लिए आत्मा उसका मित्र होता है, और जिसने अपने आप को अपनी इंद्रियों को नहीं जीता है उसके लिए आत्मा शत्रु के समान स्थित होता है। शीतोष्ण सुख दुख तथा मान अपमान में जो प्रशांत रहता है ऐसे जितात्मा पुरुष के लिए परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात आत्मरूप से विद्यमान है। जो योगी ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जो विकार रहित कूटस्थ और जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाला है, जिसको मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण समान है, वह परमात्मा से युक्त कहलाता है। जो मनुष्य सुहृद मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बांधवों में तथा धर्मात्मा में और पापियों में भी समान भाव वाला है वह श्रेष्ठ है। शरीर और मन को संयमित किया हुआ योगी एकांत स्थान पर अकेला रहता हुआ आशा और परिग्रह से मुक्त होकर निरंतर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए शुद्ध स्वच्छ भूमि में कुश मृगशाला और उस पर वस्त्र रखा हो, ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापित करके उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किए हुए आत्मशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। काया सिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा सावधान योगी मन को संयमित करके चित्त को मुझ में लगाकर मुझे ही परम लक्ष्य समझकर बैठे। इस प्रकार सदा मन को स्थिर करने का प्रयास करता हुआ संयमित मन का योगी मुझ में स्थित परम निर्वाण मोक्ष स्वरूप शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग उस पुरुष के लिए संभव नहीं होता जो अधिक खाने वाला है या बिल्कुल न खाने वाला है, तथा जो अधिक सोने वाला है या सदा जागने वाला है। उस मनुष्य के लिए योग दुखनाशक होता है जो युक्त आहार और विहार करने वाला है, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला है और नियमित सोने और जागरण करने वाला है। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निःस्पृह हो जाता है उस काल में वह योगी कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक में कंप नहीं होता, योग का अभ्यास करते हुए यच्चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है। जब जिस स्थिति में योगाभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जब आत्मा को आत्मा के द्वारा देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है,
जो सुख अत्याधिक अप्रत्यक्ष और बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने वाला है, योगी उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिसमें स्थित हुआ है, यह योगी तत्व से कभी दूर नहीं होता है। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। दुख के संयोग से वियोग को ही योग कहते हैं। जिसे जानना चाहिए उस योग का अभ्यास उकताहट रहित चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर धैर्ययुक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और परमात्म स्वरूप में मन बुद्धि को समय प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। यह अस्थिर और चंचल मन जहाँ जहाँ विचरण करता है वहाँ वहाँ से हटाकर इसको परमात्मा में ही लगाए। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण तथा मन सर्वथा शांत हो गया है, ऐसे इस ब्रह्मा स्वरूप योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्मा प्राप्ति रूप अत्यंत सुख को प्राप्त हो जाता है। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। जो सब में मुझको देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। मेरे में एकत्व भाव से स्थित हुआ जो योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मेरे में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह सर्वथा मेरे में ही स्थित है। हे अर्जुन, जो ध्यानयुक्त ज्ञानी महापुरुष अपने शरीर की उपमा से सब जगह अपने को समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो यह योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन चंचल और प्रमथन स्वभाव का तथा बलवान और दृढ़ है, उसका निग्रह करना मैं वायु के समान अति दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान कहते हैं, हे महबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, उसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। जिसका मन पूरा वश में नहीं है, उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील मनुष्य द्वारा उपाय से योग प्राप्त होना संभव है, यह मेरा मत है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधना में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता है? हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा निवारण करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का निवारण करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न ही परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कोई भी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है। वह योग भ्रष्ट उन्हें कर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर और वहाँ दीर्घ काल तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमंत मनुष्यों के घर में जन्म लेता है अथवा ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जन्म इस लोक में निसंदेह अति दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, वह पुरुष वहाँ पूर्व जन्म में प्राप्त किए गए ज्ञान से संपन्न होकर योग संसिद्धि के लिए उससे भी अधिक प्रयत्न करता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला
योगभ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी पूर्व जन्म में किए हुए अभ्यास साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खींच जाता है, क्योंकि योग समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों से सिद्ध होता हुआ तब परम गति को प्राप्त होता है, क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और केवल शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। छठा अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। ज्ञान विज्ञान योग श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय है जिसमें 30 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण निरपेक्ष वास्तविकता और उसके भ्रामक ऊर्जा प्लस माया प्लस के बारे में अर्जुन को बताते हैं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में आसक्त हुए मन वाले तथा मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करते हुए जिस प्रकार तुम मुझे समग्र रूप से बिना किसी संशय के जानोगे वह सुनो। तुम्हारे लिए मैं विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानने के बाद फिर यहाँ कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक वास्तविक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और उन प्रयत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न मेरी जीवरूपी परा प्रकृति को जानो जिससे यह जगत धारण किया जाता है। अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय हूँ। हे धनंजय, मेरे से बढ़कर इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण नहीं है। जैसे सूत की मणियाँ सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही संपूर्ण जगत मुझ में पिरोया हुआ है। हे कुंती नंदन, जल में रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा प्रकाश मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार मैं हूँ, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ, अग्नि में तेज मैं हूँ, संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूँ और तपस्वियों में तपस्या मैं हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे ही जानो, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों की कामना तथा आसक्ति से रहित बल हूँ। मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध धर्मयुक्त काम मैं हूँ। जो भी सात्विक शुद्ध राजसिक और तामसिक भाव हैं, उन सबको तुम मेरे से उत्पन्न हुए जानो, तथापि मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझ में हैं। इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत इन गुणों से परे अविनाशी मेरे को नहीं जानता, क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवीय माया बड़ी दुरत्य है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। माया के द्वारा अपहरित ज्ञान वाले आसुरी भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्य में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले सुकृतिन आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं, अर्थात मेरे शरण होते हैं। उन 4 भक्तों में मेरे में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह भी मेरे को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सब उत्कृष्ट हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, कारण कि वह युक्तात्मा है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मेरे में ही दृढ़ आस्था वाला है। बहुत जन्मों के अंत में किसी एक जन्म विशेष में
ज्ञान को प्राप्त होकर कि यह सब वासुदेव है। ज्ञानी भक्त मुझे प्राप्त होता है, ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। भोग विशेष की कामना से जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे पुरुष अपने स्वभाव से प्रेरित हुए अन्य देवताओं को विशिष्ट नियम का पालन करते हुए भजते हैं। जो जो भक्त जिस जिस देवता का श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहता है, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। वह भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उससे मेरे द्वारा विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि मनुष्यों का वह फल नाशवान अंत वाला होता है। देवताओं के पूजक देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की तरह ही शरीर धारण करने वाला मानते हैं। जो मूढ़ मनुष्य मेरे को अज और अविनाशी ठीक तरह से नहीं जानते मानते, उन सबके सामने योग माया से अच्छी तरह से आवृत हुआ मैं प्रकट नहीं होता। हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी मनुष्य नहीं जानता। हे भरतवंशी परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में मूर्ता अज्ञान को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु जिन पुण्यकर्मी मनुष्यों के पाप नष्ट गए हैं, वे द्वंद्व मोह से मुक्त हुए मनुष्य दृढ़व्रति होकर मेरा भजन करते हैं। जन्म और मरण से मोक्ष पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को भी जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत और अधिदैव तथा अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे युक्तचित्त वाले पुरुष अंतकाल में भी मुझे ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। सातवां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता का आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग है, जिसमें 28 श्लोक हैं। गीता के इस पाठ में स्वर्ग और नरक का सिद्धांत शामिल है। इसमें मृत्यु से पहले व्यक्ति को सोच आध्यात्मिक संसार तथा नरक और स्वर्ग को जाने की राह के बारे में बताया गया है। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है, और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है तथा अधिदैव नाम से क्या कहा जाता है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, और संयत चित्त वाले मनुष्यों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जाने जाते हैं। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर अविनाशी तत्व ब्रह्मा है, स्वभाव अपना स्वरूप अध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों का उद्भव करने वाला जो त्याग है, उसकी कर्म संज्ञा है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, शरभाव अर्थात नाशवान पदार्थ जिसका नाश हो को अधिभूत कहते हैं, पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्माजी अधिदैव हैं, और इस देह में अंतर्यामी रूप से मैं ही अधियज्ञ हूँ। जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उस को ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। इसलिए तुम सब काल में मेरा निरंतर स्मरण करो और युद्ध करो। मेरे में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निःसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। हे प्रथानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष परमात्मा का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो सर्वज्ञ पुराण शासन करने वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है,
वह साधक अंतकाल में योग बल से प्राण को भ्रकुटी के मध्य अच्छी तरह स्थापन करके निश्चल मन से भक्ति युक्त होकर उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिसे अक्षर कहते हैं, रागरहित यत्नशील पुरुष जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसकी इच्छा से साधक गण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद लक्ष्य को मैं तुम्हें संक्षेप में कहूंगा। सब इंद्रियों के द्वारों को संयमित कर, मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में स्थित हुआ। जो मनुष्य ओम इस एक अक्षर ब्रह्मा का उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, जो अनन्य चित्त वाला पुरुष मेरा स्मरण करता है, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मुझे प्राप्त कर अनित्य दुहक के आल्य रूप, गृह रूप, पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मा लोक तक के सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कौन्ते, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। जो लोग ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि जानते हैं, जो कि सहस्र चतुर्युगी की है, तथा सहस्र चतुर्युगी की अवधि की एक रात्रि को जानते हैं, वे दिन और रात्रि को जानने वाले मनुष्य हैं। ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं, और ब्रह्मा जी की रात के आरंभ काल में उसी अव्यक्त में संपूर्ण प्राणी लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है, परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से अन्य अनादि सर्वश्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त है, उसका संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नाश नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर कहा गया है, वही परम गति लक्ष्य है, जिसे प्राप्त होकर साधक गण पुनः संसार को नहीं लौटते, वह मेरा परम धाम है। हे प्रथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और छह महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए हुए ब्रह्मावेत्ता मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और छह महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है, क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से जगत प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली हैं। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को लौटना पड़ता है। हे प्रथानंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अथ हे अर्जुन, तू सब समय में योगयुक्त हो जा। योगी इसको शुक्ल और कृष्ण मार्ग के रहस्य को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्यफल कहे गए हैं, उन सभी पुण्यफलों का उल्लंघन कर जाता है और आदिस्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आठवां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा। राजविद्या योग श्रीमद् भगवत गीता का नवा अध्याय है, जिसमें 34 श्लोक हैं। इसमें यह बताया है कि श्री कृष्ण की आंतरिक ऊर्जा सृष्टि को व्याप्त बनाती है, उसका सृजन करती है और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देती है।
श्री भगवान ने कहा, तुम दोष दृष्टि रहित के लिए मैं इस गोपनीय ज्ञान को विज्ञान के सहित कहूँगा, जिसको जानकर तुम अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। यह ज्ञान राजविद्या, विद्याओं का राजा और राजगुह्य, सब गुह्यों अर्थात रहस्यों का राजा एवं पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष ज्ञान वाला और धर्मयुक्त है तथा करने में सरल और अव्यय है। हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मेरे को प्राप्त न होकर मृत्यु रूपी संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। यह सब संसार मेरे अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। मेरे इस ईश्वरीय योग को देखो कि संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और उनका भरण पोषण करने वाला मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। जैसे सब जगह विचरण करने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। हे कुंती नंदन, एक कल्प के अंत होने पर संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और दूसरे कल्प के प्रारंभ में मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। प्रकृति के वश में होने से पराधीन हुए इस प्राणी समुदाय को मैं कल्पों के आदि में अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचता हूँ। हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मेरे को वे कर्म नहीं बांधते। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में संपूर्ण चराचर जगत को रचती है। हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर रूप परम भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर, अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। जिनकी सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं, अर्थात जिनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान सत्फल देने वाले नहीं होते, ऐसे अविवेकी मनुष्य आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। परंतु हे पृथानंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा लोग मेरे को संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। नित्य मेरे में युक्त मनुष्य दृढ़वृत्ति होकर लगन पूर्वक साधना में लगे हुए और भक्ति पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं। कोई साधक ज्ञानयज्ञ के द्वारा एक ही भाव से, अभेद भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं और दूसरे कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुखवाले मेरे विराट स्वरूप अर्थात संसार को मेरा विराट स्वरूप मानकर सेव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। मैं ही इस जगत का पिता, माता, धाता, धारण करने वाला और पितामह हूँ। मैं वेद्य, जानने योग्य वस्तु हूँ। पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति, लक्ष्य, भरण पोषण करने वाला, प्रभु, स्वामी, साक्षी, निवास, शरण स्थान तथा मित्र और उत्पत्ति, प्रलय रूप तथा स्थान, आधार, निधान और अविनाशी बीज भी मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप में तपता हूँ। मैं वर्षा का ग्रहण और उत्सर्जन करता हूँ। मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, वेदोक्त सकाम कर्म करने वाले, सोमपान करने वाले एवं पापों से पवित्र हुए मनुष्य मुझे यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप इंद्रलोक को प्राप्त कर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोग भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्यक्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे गए कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष आवागमन जन्म मृत्यु चक्र को प्राप्त होते हैं। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मेरे में निरंतर लगे हुए
उन भक्तों का योगक्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं वहन करता हूँ। हे कुंती नंदन, जो भी भक्त मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी मुझे ही अविधि पूर्वक पूजते हैं, क्योंकि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ। परंतु वे मेरे को तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, परंतु मेरा पूजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं। जो भक्त पत्र पुष्प फल जल आदि यथासाध्य प्राप्त वस्तु को भक्ति पूर्वक मुझे अर्पण करता है, उस शुद्ध मन के भक्त का वह भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्पादि मैं भोगता हूँ अर्थात स्वीकार करता हूँ। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ यज्ञ करते हो, जो कुछ दान देते हो और जो कुछ तप करते हो, वह सब मुझे अर्पण कर दो। इस प्रकार मुझे अर्पण करने से जिनसे कर्म बंधन होता है, ऐसे शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मुझे अर्पण करने वाला और सबसे मुक्त हुए तुम मेरे को प्राप्त हो जाओगे। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, तो उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, तुम निश्चय पूर्वक सत्य जानो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे प्रथानंदन, जो भी पापयोनी वाले हों, जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हों, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निःसंदेह परमति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए इस अनित्य और सुखरहित लोक को प्राप्त होकर अब तुम भक्तिपूर्वक मेरी ही पूजा करो। तुम मुझ में स्थिर मन वाले बनो, मेरे भक्त और मेरे पूजन करने वाले बनो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार मेरे साथ अपने आप को लगाकर मेरे परायण हुआ तू मेरे को ही प्राप्त होगा। 9वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा। विभूति योग श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय है, जिसमें 42 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि किस प्रकार सभी तत्वों और आध्यात्मिक अस्तित्व के अंत का कारण बनते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, मेरे परम वचन को तुम फिर सुनो, जिसे मैं तुम्हारे हित की कामना से कहूँगा, क्योंकि तुम मेरे में अत्यंत प्रेम रखते हो। मेरी उत्पत्ति प्रभाव को न देवतागण जानते हैं और न महर्षिजन, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि हूँ। जो मनुष्य मुझे अजन्मा अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है अर्थात दृढ़ता से मानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानी है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि ज्ञान मोह का अभाव क्षमा सत्य दम इंद्रिय संयम शम मन संयम सुख दुख भाव अभाव भय अभय अहिंसा समता संतोष तप दान यश और अपयश प्राणियों के ये अनेक प्रकार के और अलग अलग 20 भाव मेरे से ही होते हैं। 7 महर्षि और उनसे भी पूर्व में होने वाले 4 संकादि तथा 14 मनु ये सब के सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मेरे में भाव श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को और योग को तत्व से जानता अर्थात दृढ़ता पूर्वक मानता है, वह अविचल भक्ति योग अर्थात निश्चल ध्यान योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं ही सबका प्रभाव मूल कारण स्थान हूँ,
मुझसे ही सब जगत विकास को प्राप्त होता है। इस प्रकार जानकर बुद्धिमान भक्त भक्ति भाव से युक्त होकर मुझे ही भजते हैं। मुझ में ही चित्त को स्थिर करने वाले और मुझ में ही प्राणों इंद्रियों को अर्पित करने वाले भक्तजन सदैव परस्पर मेरा बोध कराते हुए मेरे ही विषय में कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं और रमते हैं। उन नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है। उन भक्तों पर कृपा करने के लिए ही उनके स्वरूप में रहने वाला मैं उनके अज्ञान जन्य अंधकार को प्रकाशमय ज्ञान रूप दीपक के द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र है, सनातन दिव्य पुरुष, देवों के भी आदि देव, जन्म रहित और सर्वव्यापी हैं। ऐसा आपको समस्त ऋषिजन कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद, असित, देवल ऋषि तथा व्यास जी और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, मेरे से आप जो कुछ कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं? और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं? हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूति को पुन विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। श्री भगवान बोले, हाँ ठीक है, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूँगा। हे कुरुश्रेष्ठ, मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे निद्राजित, नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में भी मैं ही हूँ और प्राणियों के हृदय में आत्मरूप से भी मैं ही स्थित हूँ। मैं 12 आदित्यों में विष्णु और ज्योतियों में अंशुमान सूर्य हूँ। मैं 49 मरुतों वायु देवताओं में मरीचि हूँ और नक्षत्रों में शशि चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में वासव इंद्र हूँ। मैं इंद्रियों में मन और प्राणियों में चेतना ज्ञान शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धनपति कुबेर हूँ। 8 वसुओं में अग्नि हूँ तथा शिखर वाले पर्वतों में मेरु हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति जानो। मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु और वाणी शब्दों में एक अक्षर ओंकार हूँ। मैं यज्ञों में जपयज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय में हूँ। मैं समस्त वृक्षों में पीपल हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैःश्रवा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को और मनुष्यों में राजा मुझे ही जानो। मैं शस्त्रों में वज्र और धेनुओं, गायों में कामधेनु हूँ। संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ और सर्पों में वासुकी हूँ। मैं नागों में अनंत शेषनाग हूँ और जल देवताओं में वरुण हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ और नियमन करने वालों में यम हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों में काल हूँ। मैं पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवित्र करने वालों में वायु और शास्त्रधारियों में राम मैं हूँ। जल जंतुओं में मगर मैं हूँ। बहने वाले स्रोतों में गंगा मैं हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या और विवाद करने वालों में अर्थात विवाद के प्रकारों में मैं वाद हूँ। अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुखवाला धाता भी मैं हूँ। मैं सबका भक्षण करने वाली मृत्यु और भविष्य में होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ।
स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहद साम और वैदिक छंदों में गायत्री छंद में हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में वसंत में हूँ। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। जीतने वालों की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं हूँ। मैं वृष्णियों में वासुदेव हूँ और पांडवों में धनंजय। मैं मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड हूँ और विजय चाहने वालों की नीति हूँ। मैं गोपनीय भावों में मौन हूँ और ज्ञानवानों का ज्ञान हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह बीज मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे बिना कोई भी चरचर प्राणी नहीं है, अर्थात चरचर सब कुछ मैं ही हूँ। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेप से कहा है। जो जो ऐश्वर्ययुक्त, शोभायुक्त और बलयुक्त वस्तु है, उसको तुम मेरे ही तेज योग के अंश से उत्पन्न हुई समझो। अथवा हे अर्जुन, बहुत जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। 10वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा। विश्व स्वरूप दर्शन योग श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय है, जिसमें 55 श्लोक हैं। इस अध्याय में अर्जुन के निवेदन पर श्री कृष्ण अपना विश्व रूप विराट स्वरूप धारण करते हैं। अर्जुन ने कहा, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन उपदेश आपके द्वारा कहा गया, उससे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमलनयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुना है और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं, यह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वरीय रूप को मैं देखना चाहता हूँ। हे प्रभो, यदि आप मानते हैं कि मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना संभव है, तो हे योगेश्वर, आप अपने अव्यय रूप का दर्शन कराइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा सहस्रों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले दिव्य रूपों को देखो। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, तुम मुझ में 12 आदित्यों, सूर्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मरुदगणों को देखो, जिनको तुमने पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तुम देखो। हे गुडाकेश, नींद को जीतने वाले अर्जुन, आज अब इस मेरे शरीर में एक स्थान पर स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देखो तथा और भी जो कुछ तुम देखना चाहते हो उसे भी देखो। परंतु तुम अपने इन्हीं प्राकृत नेत्रों के द्वारा मुझे देखने में समर्थ नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तुम मेरे ईश्वरीय योग को देखो। संजय ने कहा, हे राजन, महायोगेश्वर हरि ने इस प्रकार कहकर फिर अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त रूप को दर्शाया। उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शनों वाले एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो दिव्य वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूप वाले तथा चारों तरफ मुख वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। अगर आकाश में 1,000,000 सूर्य उदित हो जाए तो भी उन सबका प्रकाश मिलकर उस महात्मा विश्वरूप के प्रकाश के समान शायद ही हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त हुए संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण के शरीर में एक स्थान पर स्थित देखा। भगवान के विश्वरूप को देखकर अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्वरूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले,
अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को, प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को, कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और संपूर्ण दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देख रहा हूँ। मैं आपका मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्र धारण किए हुए तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज, दीप्त अग्नि और सूर्य के समान ज्योतिर्मय, देखने में अति कठिन और अप्रमेय स्वरूप सब ओर से देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर, अक्षर ब्रह्मा हैं। आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको मैं आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि के समान मुखों वाले और अपने तेज से संसार को संतप्त करते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित, व्याकुल हो रहे हैं। ये समस्त देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश कर रहे हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपकी स्तुति करते हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, स्वस्ति वाचन करते हुए ऐसा कहकर उत्तम स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वे देव और 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण, 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। हे विष्णु, आपके अनेक देदीप्यमान वर्ण हैं। आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं। आपका मुख फैला हुआ है। आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत हुआ मैं धैर्य और शांति को भी प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। आपके विकराल दाढ़ों वाले और प्रलयाग्नि के समान, प्रलयकाल की अग्नि के समान मुखों को देखकर मैं न दिशाओं को जान पा रहा हूँ और न शांति को प्राप्त हो रहा हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो जाइए। और ये समस्त धृतराष्ट्र के पुत्र, राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं। भीष्म, द्रोण तथा कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित दौड़ तीव्र वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं और कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह समुद्र की ओर वेग से बहते हैं, वैसे ही मनुष्य लोक के ये वीर योद्धागण आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश करते हैं। जैसे पतंगे अपने नाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से प्रवेश करते हैं। हे विष्णु, आप प्रज्वलित मुखों के द्वारा इन समस्त लोकों का ग्रसन करते हुए स्वाद ले रहे हैं। आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति अर्थात प्रयोजन को नहीं जानता। श्री भगवान ने कहा, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला प्रवृद्ध हुआ काल हूँ और इस समय मैं इन सब लोगों का सहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। इसलिए तुम उठ खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो, शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य को भोगो।
ये सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाचिन, तुम निमित्त मात्र ही बनो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे गए वीर योद्धाओं को तुम मारो। भय मत करो, युद्ध करो, तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके पुन भयभीत हुआ। श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। अर्जुन ने कहा, यह योग्य ही है कि आपके कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त होता है। भयभीत राक्षस लोग समस्त दिशाओं में भागते हैं और समस्त सिद्धगणों के समुदाय आपको नमस्कार करते हैं। के महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता आपके लिए वे सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करें? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं, आप सत भी हैं, असत भी हैं, और सत असत पर भी जो कुछ है वह भी आप ही हैं। आप आदि देव और पुराण सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय ज्ञाता ये जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही यह विश्व व्याप्त है। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। आपके लिए सहस्र बार नमस्कार नमस्कार है, उन आपको बारंबार नमस्कार नमस्कार है। हे अनंत सारमथ्य वाले भगवन, आपके लिए अग्रत और पृष्ठत नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपको सब ओर से नमस्कार है। आप अमित विक्रमशाली हैं और आप सबको व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप सर्वरूप हैं। हे भगवन, आपको सखा मानकर आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रमाद से अथवा प्रेम से भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ कहा कहा गया है, और हे अच्युत, जो आप मेरे द्वारा हंसी के लिए बिहार, शया, आसन और भोजन के समय अकेले में अथवा अन्यों के समक्ष भी अपमानित किए गए हैं, उन सब के लिए अप्रमेय स्वरूप आपसे मैं क्षमा याचना करता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता, पूजनीय और सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। हे अप्रितम प्रभाव वाले भगवन, तीनों लोकों में आपके समान भी कोई नहीं है, तो फिर आपसे अधिक श्रेष्ठ कैसे होगा? इसलिए हे भगवन, मैं शरीर के द्वारा साष्टांग प्रणाम करके स्तुति के योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र अपने मित्र के और प्रिय अपनी प्रिया के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। मैंने ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा। इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अथ आप मुझे अपने उसी देव रूप को, सौम्य विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। मैं आपको उसी प्रकार मुकुटधारी, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। हे विश्वमूर्ते, हे सहस्रबाहो, आप उस चतुर्भुज रूप के ही बन जाइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से यह अत्यंत श्रेष्ठ, तेजोमय, सबका आदि और अनंत विश्वरूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। हे कुरुप्रवीर, तुम्हारे अतिरिक्त इस मनुष्य लोक में किसी अन्य के द्वारा मैं इस रूप में न वेदों के पढ़ने से और न यज्ञों के अनुष्ठान से, न दान और न धार्मिक क्रियायों के द्वारा और न उग्र तपों के द्वारा ही देखा जा सकता हूँ। इस प्रकार मेरे इस घोर रूप को देखकर तुम व्यथा और मूढ़ भाव को मत प्राप्त हो। निर्भय और प्रसन्न चित्त होकर तुम पुन मेरे उसी पूर्व के रूप को देखो। संजय ने कहा, भगवान वासुदेव ने अर्जुन से इस प्रकार कहकर उन अपने पूर्व रूप को दर्शाया। और फिर सौम्य रूप महात्मा श्री कृष्ण ने इस भयभीत अर्जुन को आश्वस्त किया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांतचित्त हुआ, अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ।
श्री भगवान ने कहा, मेरा यह रूप देखने को मिलना अति दुर्लभ है, जिसको कि तुमने देखा है। देवता गण भी सदा इस रूप के दर्शन के इच्छुक रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। परंतु हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में, सगुण रूप से देखने में और प्राप्त करने में शक्य हूँ। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला है और मुझे ही परम लक्ष्य मानता है, जो मेरा भक्त है तथा संग्रहित है, जो प्राणियों के प्रति निर्वैर है, वह मुझे प्राप्त होता है। 11वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। भक्ति योग श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय है, जिसमें 20 श्लोक हैं। इस अध्याय में कृष्ण भगवान भक्ति के मार्ग की महिमा अर्जुन को बताते हैं। इसके साथ ही वह भक्ति योग का वर्णन अर्जुन को सुनाते हैं। अर्जुन ने कहा, जो भक्त इस प्रकार निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण भगवान की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निराकार की ही उपासना करते हैं, उनमें से उत्तम योग वेत्ता कौन है? मेरे में मन को लगाकर नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। परंतु जो भक्त अक्षर, अनिर्देश, अव्यक्त, सर्वगत, अचिंत्य, कूटस्थ, अचल और ध्रुव की उपासना करते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में करके प्राणी मात्र के हित में रत और सब जगह संबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। परंतु उन अव्यक्त में आसक्त हुए चित्त वाले मनुष्यों को क्लेश अधिक होता है, क्योंकि देहधारियों से अव्यक्त की गति कठिनाई पूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो भक्तजन मुझे ही परम लक्ष्य समझते हुए सब कर्मों को मुझे अर्पण करके अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करते हैं, हे पार्थ, जिनका चित्त मुझ में ही स्थिर हुआ है, ऐसे भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। तुम अपने मन और बुद्धि को मुझ में ही स्थिर करो, तदुपरांत तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हे धनंजय, यदि तुम अपने मन को मुझ में स्थिर करने में समर्थ नहीं हो, तो अभ्यास योग के द्वारा तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा अर्थात प्रयत्न करो। अगर तू अभ्यास योग में भी असमर्थ है, तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा, और यदि इसको भी करने के लिए तुम असमर्थ हो, तो आत्मसंयम से युक्त होकर तुम समस्त कर्मों के फल का त्याग करो। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फल त्याग है। त्याग से तत्काल ही शांति मिलती है। सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित तथा सबका मित्र तथा करुणावान है, जो ममता और अहंकार से रहित सुख और दुख में सम और क्षमावान है, जो सुख दुख की प्राप्ति में समान दृढ़ निश्चय वाला योगी सदा संतुष्ट है, जो अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण किए हुए है, जो ऐसा मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है, जिससे किसी प्राणी को उद्वेग नहीं होता और जिसको खुद भी किसी प्राणी से उद्वेग नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष ईर्ष्या भय और उद्वेग से रहित है, वह मुझे प्रिय है, जो अपेक्षारहित शुद्ध दक्ष उदासीन व्यथा रहित और सर्वकर्मों का सन्यास करने वाला मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है, जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो शुभ शुभ कर्मों में राग द्वेष का त्यागी है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है, जो शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में समान है, जो शीतोष्ण व सुख दुखादिक द्वंद्वों में सम है और आसक्ति रहित है, जिसको निंदा और स्तुति दोनों ही समान है, जो मौनी है, जो किसी अल्प वस्तु से भी संतुष्ट है,
जो अनिकेत है वह स्थिर बुद्धि का भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। जो भक्त श्रद्धावान तथा मुझे ही परम लक्ष्य समझने वाले हैं और इस यथोक्त धर्ममय अमृत का अर्थात धर्ममय जीवन का पालन करते हैं वे मुझे अतिशय प्रिय हैं। 12वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। क्षेत्र क्षत्र विभाग योग श्रीमद् भगवत गीता 13वां अध्याय है। इसमें 35 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के बारे में तथा सतोगुण रजोगुण और तमोगुण इन तीनों गुणों द्वारा अच्छी योनि में जन्म लेने का उपाय बताते हैं। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञेय को जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहा जाता है और इसको जो जानता है उसे ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, तुम संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मेरे को ही समझो और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। इसलिए वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो कार्य हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है वह संक्षेप में मुझसे सुनो। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और युक्ति युक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्मा सूत्र के पदों द्वारा अर्थात ब्रह्मा के सूचक शब्दों द्वारा भी कहा गया है। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रिया, 1 मन, इंद्रियों के 5 विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, प्राण शक्ति और धृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। मानित्व अपने में श्रेष्ठता के भाव का न होना, दंभित्व दिखावटीपन का न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अहंकार का भी न होना और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुखरूप दोषों को बार बार देखना, आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में एकात्मता, घनिष्ठ संबंध न होना और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य समान रहना, मेरे में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जनसमुदाय में प्रीति का न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना तथा तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना, यह सब तो ज्ञान कहा गया है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। जो ज्ञेय है उस परमात्म तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूंगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है, वह ज्ञेय तत्व अनादि और परम ब्रह्मा है। उसको न सत कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं और चरचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं, एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं। वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जाने नहीं जा सकते। वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं। वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, उनका भरण पोषण करने वाले और सहार करने वाले हैं। वह परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों का भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहा गया है। वह ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। इस प्रकार मेरे द्वारा क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप से कहा गया।
मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तुम अनादि जानो, और तुम यह भी जानो कि सभी विकार और गुण प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। कार्य और कारण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है, और सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है। इन गुणों का संग ही इस पुरुष जीव के शुभ और अशुभ योनियों में जन्म लेने का कारण है। परम पुरुष ही इस देह में उपद्रष्टा, निरीक्षक, अनुमंता, अनुमति देने वाला, भर्ता, भरण पोषण करने वाला, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा कहा जाता है। इस प्रकार पुरुष और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य जानता है, वह सब प्रकार से रहता हुआ, व्यवहार करता हुआ भी पुनः नहीं जन्मता है। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्मयोग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु अन्य लोग जो स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से, आचार्यों से सुनकर ही उपासना करते हैं, वे श्रुतिप्रायण अर्थात श्रवण ही जिनके लिए परम साधन है, लोग भी मृत्यु को निसंदेह तर जाते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। जो नष्ट होने वाले संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को नाशरहित और समान रूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है, क्योंकि सब जगह समान रूप से स्थित ईश्वर को समान रूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता, अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उन सबका विस्तार देखता है, उस काल में वह ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, यह स्वयं अनादि और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्म स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्री, क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार जो ज्ञानोपी नेत्र से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर विभाग को तथा कार्यकारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। 13वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा। गुणत्रय विभाग योग श्रीमद् भगवत गीता का 14वां अध्याय है। इसमें 27 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण सत्व, रज और तम गुणों का तथा मनुष्य की उत्तम, मध्यम, अन्य गतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। अंत में इन गुणों को पाने का उपाय और इसका फल बताया गया है। श्री भगवान बोले, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सबके सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरे स्वरूप सार्धम्यम को प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीवरूप गर्भ का स्थापन करता हूँ, उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, उन सब की मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे महाबाहो सत्व, रज और तम, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण देही आत्मा को शरीर के साथ बांध देते हैं।
हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख और ज्ञान की आसक्ति से आत्मा को बांधता है। हे कुंती नंदन, रजोगुण को राग स्वरूप जानो, जिससे तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है। वह देही आत्मा को कर्मों की आसक्ति से बांधता है। हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देहधारियों को बांधता है। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, सत्वगुण सुख में और रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है, तथा तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में भी लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। जब इस शरीर के द्वारों अर्थात समस्त इंद्रियों में ज्ञान रूप प्रकाश उत्पन्न होता है, तब सत्वगुण को प्रवृद्ध हुआ जानो। हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, सामान्य चेष्टा, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा, ये वृत्तियां पैदा होती हैं। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह, ये सब उत्पन्न होते हैं। जिस समय सत्वगुण बढ़ा हो, उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है, तो वह उत्तम वेत्ताओं के निर्मल लोकों में जाता है। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी मनुष्य योनि में जन्म लेता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। शुभ कर्म का फल सात्विक और निर्मल कहा गया है, रजोगुण का फल दुख और तमोगुण का फल अज्ञान है। सत्वगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं, तमोगुण से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होता है। सत्वगुण में स्थित मनुष्य उच्च लोकों को जाते हैं, राजस मनुष्य मध्य मनुष्य लोक में रहते हैं और तमोगुण की अत्यंत हीन प्रवृत्तियों में स्थित तामस लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं। जब विवेकी विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से परे अनुभव करता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यह देहधारी विवेकी मनुष्य शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप तीनों गुणों से अतीत होकर जन्म मृत्यु जरा और दुखों से विमुक्त हुआ अमृतत्व को प्राप्त होता है। अर्जुन ने कहा, हे प्रभो, इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर चुका हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, वह किस प्रकार के आचरण वाला होता है और वह किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतिक्रमण कर चुका होता है? श्री भगवान ने कहा, हे पांडव, ज्ञानी पुरुष प्रकाश प्रवृत्ति और मोह के प्रवृत्त होने पर भी उनका द्वेष नहीं करता तथा निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा नहीं करता है। जो उदासीन के समान आसीन होकर गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही व्यवहार करते हैं, ऐसा जानकर स्थित रहता है और उस स्थिति से विचलित नहीं होता। जो स्वस्थ स्वरूप में स्थित सुख दुख में समान रहता है तथा मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान दृष्टि रखता है, ऐसा वीर मनुष्य प्रिय और अप्रिय को तथा निंदा और आत्मस्तुति को तुल्य समझता है। जो मान और अपमान में समान है, शत्रु और मित्र के पक्ष में भी समान है, ऐसा सर्वारंभ परित्यागी मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्तियोग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्मा प्राप्ति का पात्र हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा अविनाशी अमृत शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। 14वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। इसमें 20 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवीय प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष सर्व प्रकार से मेरा भजन करते हैं तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष मेरा उपहास करते हैं।
श्री भगवान ने कहा, ऊपर की ओर मूल जड़ तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। उस वृक्ष की शाखाएं गुणों से प्रवृद्ध हुई नीचे और ऊपर फैली हुई हैं। पंच विषय इसके अंकुर हैं। मनुष्य लोक में कर्मों का अनुसरण करने वाली इसकी अन्य जड़ें नीचे फैली हुई हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि इसका न आदि है और न अंत और न प्रतिष्ठा ही है। इस अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्र से काटकर उसके बाद उस परमपद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त होने पर मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ, जिनका मान और मोह निवृत्त हो गया है, जिन्होंने संग दोष को जीत लिया है, जो अध्यात्म में स्थित हैं, जिनकी कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं, और जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हो गए हैं, ऐसे सम्मोह रहित ज्ञानी जन उस अव्यय पद को प्राप्त होते हैं। उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते वही मेरा परम धाम है। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है वहां से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर श्रोत्र कान नेत्र त्वचा रसना जीभ और घ्राण नाक इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ अज्ञानी मनुष्य नहीं जानते, ज्ञानरूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। योगी जन प्रयत्न करते हुए ही अपने हृदय में स्थित आत्मा को देखते हैं, जबकि अशुद्ध अंतकरण वाले अकृतात्मान और अविवेकी अचेतस लोग प्रयत्न करते हुए भी इसे नहीं देखते हैं। जो तेज सूर्य में स्थित होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और अग्नि में है, उस तेज को तुम मेरा ही जानो। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही रसमय चंद्रमा के रूप में समस्त औषधियों वनस्पतियों का पोषण करता हूँ। प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मेरे से ही स्मृति ज्ञान और अपोहन संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान जिसका नाश हो जाए और जीवात्मा अविनाशी जिसका नाश नहीं होता कहा जाता है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो परमात्मा नाम से कहा गया है। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। मैं अक्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतकृत्य हो जाता है। 15वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा।
देवासुर संपद विभाग योग श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय है। इसमें 24 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण स्वाभाविक रीति से ही दैवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष के लक्षण के बारे में बताते हैं। श्री भगवान ने कहा, भय का सर्वथा अभाव, अंतकरण की शुद्धि, ज्ञान योग में दृढ़ स्थिति, सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, शरीर मन वाणी की सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, अपैशुनम, किसी की निंदा न करना, प्राणियों के प्रति दया, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, चंचलता का अभाव, तेज प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैरभाव का न रहना और मान को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। हे पृथानंदन, दंभ करना, घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना और अविवेक का होना भी ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है। हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम्हें शोक चिंता नहीं करना चाहिए। इस लोक में दो तरह के प्राणियों की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। दैवी का तो मैंने विस्तार से वर्णन कर दिया, अब हे पार्थ, तुम मेरे से आसुरी का विस्तार सुनो। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते और उनमें न शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य पालन ही होता है। वे कहते हैं कि यह जगत आश्रय रहित, असत्य और ईश्वर रहित है। यह स्त्री पुरुष के परस्पर कामुक संबंध से ही उत्पन्न हुआ है और कोई कारण नहीं है। इस दृष्टि का अवलंबन करके नष्ट स्वभाव के अल्प बुद्धि वाले, घोर कर्म करने वाले लोग जगत के शत्रु, अहित चाहने वाले के रूप में जगत का नाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं। कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। सैकड़ों आशा पाशों से बंधे हुए काम और क्रोध के वश में ये लोग विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक धन का संग्रह करने के लिए चेष्टा करते हैं। मैंने आज यह पाया है और इस मनोरथ को भी प्राप्त करूंगा। मेरे पास यह इतना धन है और इससे भी अधिक धन भविष्य में होगा। वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम सर्वसमर्थ हैं, हमारे पास भोग सामग्री बहुत है, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान और सुखी हैं, हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान और कौन है। हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज करेंगे। इस तरह वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले मोहजाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध के वशीभूत हुए पर निंदा करने वाले ये लोग अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले होते हैं। उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ अर्थात उत्पन्न करता हूँ। हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मेरे को प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं।
काम, क्रोध और लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। हे कुंती नंदन, इन नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, वह परमति को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को, न सुख को और न परम गति को ही प्राप्त होता है। इसलिए तुम्हारे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था निर्णय में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र विधि विधान को जानकर तुम्हें अपने कर्म करने चाहिए। 16वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा। श्रद्धात्रय विभाग योग श्रीमद् भगवत गीता का 17वां अध्याय है। इसमें 28 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि जो शास्त्र विधि का ज्ञान न होने से तथा अन्य कारणों से शास्त्र विधि छोड़े पर भी यज्ञ, पूजा आदि शुभ कर्म तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा पूर्वक यज्ञ पूजा करते हैं, उनकी स्थिति निष्ठा कौन सी है? क्या वह सात्विक है अथवा राजसिक या तामसिक? श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह स्वाभाविक ज्ञान रहित श्रद्धा तीन प्रकार की सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। उसे तुम मुझसे सुनो। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके सत्व, स्वभाव, संस्कार के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जिस श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा स्थिति है। सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों और राक्षसों का, और दूसरे जो तामस मनुष्य हैं, वे प्रेतों और भूत गणों का पूजन करते हैं। जो लोग शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं तथा दंभ, अहंकार, काम और राग से भी युक्त होते हैं, जो शरीर में स्थित पांच भूतों को अर्थात पांच भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले, कष्ट पहुंचाने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तुम आसुर निश्चय वाले, आसुरी संपदा वाले समझो। अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार सबका प्रिय भोजन भी तीन प्रकार का होता है। उसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। उनके भेद को तुम मुझसे सुनो। आयु, सत्व, शुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को प्रवृद्ध करने वाले एवं रसयुक्त, स्निग्ध, घी आदि की चिकनाई से युक्त, स्थिर तथा मन को प्रसन्न करने वाले आहार अर्थात भोज्य पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे और अति दाहकारक आहार अर्थात भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोगों को देने वाले हैं। जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गंधित, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो महान अपवित्र भी है, वह तामस मनुष्य को प्रिय होता है। यज्ञ करना कर्तव्य है। इस तरह मन को समाधान करके फलेच्छा रहित मनुष्यों द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है, वह सात्विक है। परंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो यज्ञ फल की इच्छा को लेकर अथवा दंभ, दिखावटीपन के लिए भी किया जाता है, उसको तुम राजस समझो। शास्त्र विधि से रहित, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों, बिना दक्षिणा और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। उद्वेग न करने वाला, सत्य, प्रिय, हितकारक भाषण तथा स्वाध्याय और अभ्यास करना, यह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की शुद्धि, इस तरह यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल की आकांक्षा न रखने वाले युक्त पुरुषों के द्वारा परम श्रद्धा से किए गए उस पूर्वोक्त तीन प्रकार शरीर, वाणी और मन के तप को सात्विक कहते हैं।
जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए अथवा केवल दंभ पाखंड से ही किया जाता है वह अनिश्चित और क्षणिक तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूर्तापूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। दान देना कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान दे काल समय को देखकर ऐसे योग्य पात्र व्यक्ति को दिया जाता है जिससे प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं होती है वह दान सात्विक माना गया है। किंतु जो दान प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर फिर क्लेश पूर्वक दिया जाता है वह दान राजस कहा जाता है। जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश और काल समय में कुपात्र को दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। ओम तत् सत् इन तीनों नामों से जिस परमात्मा का निर्देश किया गया है उसी परमात्मा ने सृष्टि के आदि में वेदों ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना की है। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले मनुष्यों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओंकार के उच्चारण से ही आरंभ होती हैं। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। हे पार्थ परमात्मा के सत इस नाम का सत्य भाव व साधु भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। यज्ञ तप और दान रूप क्रिया में जो स्थिति निष्ठा है वह भी सत ऐसे कही जाती है और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत ऐसा ही कहा जाता है। हे पार्थ जो यज्ञ दान तप और कर्म अश्रद्धा पूर्वक किया जाता है वह असत कहा जाता है। उसका फल न यहाँ होता है न मरने के बाद ही होता है अर्थात उसका कहीं भी सत फल नहीं होता। 17वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा। मोक्ष संन्यास योग श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय है। इसमें 78 श्लोक हैं। यह अध्याय पिछले सभी अध्यायों का सारांश है। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण से न्यास यानी ज्ञान योग का और त्याग अर्थात फलासक्ति रहित कर्म योग का तत्व जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। अर्जुन ने कहा हे महाबाहो हे ऋषिकेश हे केशनिषूदन मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा कुछ कवि पंडित जन कामे कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और विचारशील जन समस्त कर्मों के फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान जन कहते हैं कि समस्त कर्म दोष युक्त होने के कारण त्यागने योग्य हैं और अन्य जन कहते हैं कि यज्ञ दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन तुम संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुनो क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ त्याग तीन प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान और तपरूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए प्रत्युत उनको तो करना ही चाहिए क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म मनीषियों साधकों को पवित्र करने वाले हैं। हे पार्थ इन कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके करना चाहिए यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है मोहवश उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। जो मनुष्य कर्म को दुख समझकर शारीरिक कष्ट के भय से त्याग देता है वह पुरुष उस राजसिक त्याग को करके कदापि त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता है। हे अर्जुन कर्म करना कर्तव्य है ऐसा समझकर जो नियत कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। जो पुरुष अकुशल अशुभ कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल शुभ कर्म में आसक्त नहीं होता वह सत्वगुण से संपन्न पुरुष संशय रहित मेधावी ज्ञानी और त्यागी है क्योंकि देहधारी मनुष्य के द्वारा अशेष कर्मों का त्याग संभव नहीं है। इसलिए जो कर्मफल त्यागी है वही पुरुष त्यागी कहा जाता है।
कर्मफल का त्याग न करने वाले मनुष्यों को कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्मफल का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होता। हे महाबाहो, समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए ये पांच कारण सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, जिनको तुम मुझसे भली भांति जानो। अधिष्ठान शरीर कर्ता, विविध कारण इंद्रियादि विविध और अलग अलग चेष्टाएं तथा वैसे ही पांचवा कारण दैव संस्कार है। मनुष्य अपने शरीर वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित उचित अथवा शास्त्र विरुद्ध अनुचित जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है उसके ये पांचों कारण होते हैं। अब इस स्थिति में जो मनुष्य असंस्कृत बुद्धि होने के कारण केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता समझता है, वह दुर्मति मनुष्य यथार्थ नहीं देखता है। जिस पुरुष में अहंकार का भाव नहीं है और बुद्धि किसी गुण दोष से लिप्त नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न मरता है और न पाप से बंधता है। ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है तथा करण कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। गुण संख्यान, गुणों के संबंध से प्रत्येक पदार्थ के भिन्न भिन्न भेदों की गणना करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म तथा कर्ता तीन तीन प्रकार से ही कहे जाते हैं, उनको भी तुम यथार्थ रूप से सुनो। जिस ज्ञान से मनुष्य विभक्त रूप में स्थित समस्त प्राणियों में एक अविभक्त और अविनाशी अव्यय स्वरूप को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक जानो। परंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को अलग अलग रूप से जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस समझो। किंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के तरह आसक्त है तथा जो युक्तिरहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तृत्वाभिमान से रहित हो तथा फलेच्छा रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेष के किया हुआ हो, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म भोगों को चाहने वाले मनुष्य के द्वारा अहंकार अथवा परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता राग रहित अनहमवादी धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कहा जाता है। रागी कर्मफल का इच्छुक लोभी हिंसक स्वभाव वाला अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त कर्ता राजस कहलाता है। जो कर्ता असावधान अशिक्षित ऐंठकड़ वाला जिद्दी उपकारी का अपकार करने वाला आलसी विषादी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। हे धनंजय, अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी तीन प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। हे प्रथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को कर्तव्य और अकर्तव्य को भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे पार्थ, तमस अज्ञान अंधकार से आवृत जो बुद्धि अधर्म को ही धर्म मानती है और सभी पदार्थों को विपरीत रूप से जानती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्वी की है। हे प्रथानंदन अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म काम भोग और अर्थ को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा भय चिंता दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता, वह धृति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब तुम तीन प्रकार के सुख को मुझसे सुनो, जिसमें साधक अभ्यास से रमता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है, जहां उसके दुखों का अंत हो जाता है।
जो सुख प्रथम प्रारंभ में विष के समान भासता है परंतु परिणाम में अमृत के समान है, वह आत्मबुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह होता है, वह सुख राजस कहा गया है। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में अपने को मोहित करने वाला है, वह सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग के देवताओं में ऐसा कोई प्राणी, सत्व अर्थात विद्यमान वस्तु नहीं है, जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से मुक्त रहित हो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। शम, दम, तप, शौच, शांति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता, युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना और शासन करने का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती करना, गायों की रक्षा करना और शुद्ध व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं, तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने कर्म में तत्परता पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है, उस प्रकार को तुम मेरे से सुनो। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी तरह से अनुष्ठान किए हुए पर धर्म से गुणरहित अपना धर्म श्रेष्ठ है, कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त हैं। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो स्पृहा रहित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा नैष्कर्म में सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। हे कौन्तेय, सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्मा को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है, उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में ही समझो। विशुद्ध बुद्धि से युक्त, धृति से आत्मसंयम कर, शब्दादि विषयों को त्याग कर और राग द्वेष का परित्याग करके, विविक्त सेवी, एकांत का सेवन करने वाला, लघवाशी, कम खाने वाला, जिसने अपने शरीर, वाणी और मन को संयत किया है, ध्यानयोग के अभ्यास में सदैव तत्पर तथा वैराग्य पर समाश्रित, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह को त्याग कर ममत्व भाव से रहित और शांत पुरुष ब्रह्मा प्राप्ति के योग्य बन जाता है। ब्रह्माभूत जो साधक ब्रह्मा बन गया है, प्रसन्न मन वाला मनुष्य न इच्छा करता है और न शोक, समस्त प्राणियों के प्रति सम होकर वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। उस परा भक्ति के द्वारा मुझे वह तत्व से जानता है कि मैं कितना व्यापक हूँ तथा मैं क्या हूँ। इस प्रकार तत्व जानने के पश्चात तत्काल ही वह मुझ में प्रवेश कर जाता है, अर्थात मत्स्वरूप बन जाता है। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। मन से समस्त कर्मों का संन्यास मुझ में करके, मेरे परायण होकर बुद्धियोग का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाले हो जाओ। मेरे में चित्त वाले होकर तुम मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाओगे, और यदि तुम अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। अहंकार वश तुम जो यह सोच रहे हो, मैं युद्ध नहीं करूँगा, यह तुम्हारा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि प्रकृति तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हें बलात्कर्म में प्रवृत्त करेगी। हे कौन्तेय, तुम अपने स्वाभाविक कर्मों से बंधे हो
अत मोह के कारण जिस कर्म को तुम करना नहीं चाहते हो वही तुम विवश होकर करोगे। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी प्रयत्न पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, तू सर्व भाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार समस्त गोपनीयों से अधिक गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कहा। इस पर पूर्ण विचार विमर्श करने के पश्चात तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा तुम करो। सबसे अत्यंत गोपनीय वचन तुम फिर मेरे से सुनो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात कहूँगा। तू मेरे भक्त हो जाओ, मेरे में मन वाले हो जाओ, मेरा पूजन करने वाले हो जाओ और मेरे को नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम मेरे को ही प्राप्त हो जाओगे, यह मैं तुम्हारे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। सब धर्मों का परित्याग करके तुम एक मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। यह ज्ञान ऐसे मनुष्य से नहीं कहना चाहिए जो अत्पस्त तपरहित है, और न उसे जो अभक्त है, उसे भी नहीं जो अशुश्रुषु सेवा में अतत्पर है, और उस मनुष्य से भी नहीं कहना चाहिए जो मुझ ईश्वर में दोष दृष्टि करता है, अर्थात मुझ में दोष देखता है। जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम पराभक्ति करके इस परम गोपनीय ज्ञान का उपदेश मेरे भक्तों को देता है वह निसंदेह मुझे ही प्राप्त होता है। न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई है, और न उससे बढ़कर मेरा प्रिय इस पृथ्वी पर दूसरा कोई होगा। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञानयज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। हे पार्थ, क्या इसे मेरे उपदेश को तुमने एकाग्रचित होकर श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह पूर्णतया नष्ट हुआ? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, आपके कृपा प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति ज्ञान प्राप्त हो गई है। अब मैं संशय रहित हो गया हूँ और मैं आपके वचन आज्ञा का पालन करूँगा। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत और रोमांचक संवाद का वर्णन किया। व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट स्वरूप को याद कर करके मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। 18वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्णा। तो प्रिय दर्शकों, यह था श्रीमद् भगवत गीता का संपूर्ण ज्ञान। गुरु और विद्वान जन बताते हैं कि हम जितनी भी बार श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करते हैं उतनी अच्छी तरह उसका गुप्त ज्ञान हमारे समक्ष खुलता जाता है। इसलिए हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि इस गीता ज्ञान को बार बार देखकर अच्छी तरह समझिए और प्रभु के इन अमूल्य उपदेशों द्वारा प्रभु की राह पर चलिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर कमेंट में अवश्य ही लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।